जल मार्ग के जरिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जल मार्ग विकास प्रकल्प के तहत एक ऐसे वर्ज का निर्माण किया गया जो कि कम गहराई में भी चल सकता है। उक्त बातें भारत सरकार के शिपिंग विभाग के सचिव गोपाल कृष्ण ने शनिवार को गार्डन रीच की 2 नंबर जेटी में जुड़वा वर्ज कल्पना चावला और APJ अब्दुल कलाम आजाद और साथ में वीसल त्रिशूल के उद्घाटन समारोह में कही। अलग होती हैं, तो ये जो आप आज देख रहे हैं ये फ्लोटिला, ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये चौड़ा है ज़्यादा और फ्लैट है, जिससे कम डेप्थ जहाँ है वहाँ ये चल सके। तो ये करीबन भारत में ऑलमोस्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, और फर्स्ट नहीं भी होगा तो प्रथम एक्सपेरिमेंट में से एक है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधन बनेगा सामान की आवाजाही का। इस दिन सचिव गोपाल कृष्ण IWAI के वाइस चेयरमैन वो राष्ट्रीय जलमार्ग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीर पांडे, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के विनीत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस वर्ज को रवाना किया। उन्होंने बताया कि नदी और सागर की गहराई में अंतर होता है। जो नाव समुंदर में आराम से चल सकती है उसे नदी में प्रवेश करने में दिक्कत होती है। इसके पीछे एक कारण यह भी होता है कि नदी के तल में मिट्टी जमा होने के कारण नाव नदी में प्रवेश नहीं कर सकता है, जिससे व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी समस्या होती है। और हल्दिया कोलकाता बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जहां उत्तर भारत से होने वाले आयात निर्यात इन्हीं दोनों बंदरगाहों में होता है, फिर यहां से माल बाहर भारत भेजा जाता है। इसको जाने के लिए इसमें कुछ कठिनाइयां थीं, क्योंकि एक मिनिमम ड्राफ्ट की, एक मिनिमम डेप्थ की, एक मिनिमम गहराई की ज़रूरत होती है। तो कहीं कहीं ये जब प्रोजेक्ट बना तो ये हमने पाया कि बहुत सारी जगह अभी उतनी गहराई नहीं है, तो उद्देश्य था कि किस तरीके से हम गहराई को जितना रिक्वायर्ड है गहराई उतना पहुँचें। तो उसके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है नदी को काटा जाएगा कि जो का जो तला है उसको काटा जाएगा, साथ के साथ बांध छोटा प्रोटेक्शन दिया जाएगा जिससे चैनल जो है वो फेयरवे जो है वो अच्छा सा बने, जिससे जो नाव है वेसल से वो आ जा सके। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि वो भी बना दिया आपने, तो आपको ठीक प्रकार की यहाँ वेसल लगानी पड़ेगी, क्योंकि सब प्रकार की वेसल चल नहीं सकती हैं। जो सी में वेसल जाती हैं और जो नदी में वेसल जाती हैं वो अलग अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि हल्दिया और कोलकाता ऐसा बंदरगाह है जहां उत्तर भारत के जलमार्ग से होने वाले आयात निर्यात इन्हीं दोनों बंदरगाहों में होता है, इसलिए इन दोनों आधुनिक बर्ज की शुरुआत कोलकाता पोर्ट से की जा रही है। हल्दिया और कलकत्ता दोनों, जितना भी माल नदी के और सी के द्वारा आता है इस क्षेत्र में, ईस्टर्न इंडिया में, वो ये दो पोर्ट पर ही आता है, और यहाँ से फिर इसको विभिन्न जगह जाना होता है, भूटान भी जाना होता है, नेपाल भी जाना होता है, तो और नॉर्थ में जितने हमारे ज़िले हैं, बिहार बोलिए या और भी झारखंड के ज़िले हैं, यूपी के, ईस्ट यूपी के ज़िले हैं, जो जाना होता है वो आराम से जा पाएंगे।